हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ वाज वर यानी कि वाज वर का प्रयोग को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वाज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम नटखट थे, यानी कि यहाँ पर थे का प्रयोग हुआ है। मतलब समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप याद कर लीजिए। जैसे कि आई के साथ प्रयोग होगा वाज का, यू वी दे के साथ प्रयोग होगा वर का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी ईट और कोई भी नाम के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो इसका बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर चलते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझने का प्रयास करते हैं और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट भी बनाते हैं। देखिए तुम नटखट थे, तुम नटखट थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, तो यहाँ लिखेंगे यू। अब यहाँ पर देखिए यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो यू के साथ प्रयोग होगा वर का, तो यहाँ हो जाएगा वर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में है नटखट, तो नटखट का इंग्लिश नॉटी, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से तुम नटखट थे का इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया यू वर नॉटी। सेकेंड में है वे लोग गरीब थे, तो वे लोग गरीब थे, तो सब्जेक्ट में है वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ प्रयोग होता है वर का, तो यहाँ पर हो गया वर। और ऑब्जेक्ट में है गरीब, तो गरीब का इंग्लिश पुअर। तो इस तरह से वे लोग गरीब थे, दे वर पुअर। नेक्स्ट है मैं अमीर था, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ किसका प्रयोग, वॉज का प्रयोग, तो आई वॉज और अमीर का रिच, और फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैं अमीर था का इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया आई वॉज रिच। आगे है हम लोग व्यस्त थे, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ देखिए वर का प्रयोग, तो यहाँ पर हो गया वर, और व्यस्त का इंग्लिश बीजी। तो इस तरह से वी वर बीजी, हम लोग व्यस्त थे। आगे है रमन तैयार था, रमन तैयार था, तो यहां पर सब्जेक्ट में रमन है, और रमन क्या है, रमन जो है एक लड़का का नाम है, तो जब कोई भी नाम रहे तो नाम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो वॉज का प्रयोग कर दिए, और फिर ऑब्जेक्ट में है तैयार, तो तैयार का इंग्लिश रेडी। तो इस तरह से रमन वॉज रेडी, रमन तैयार था। आगे है वह एक सुंदर लड़की थी, वह एक सुंदर लड़की थी, यानी कि जब लड़की थी तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी, और सी के साथ वॉज का प्रयोग, तो यहाँ हो गया वॉज, एक का य और सुंदर का ब्यूटीफुल। जब लड़की जब सुंदर हो तो ब्यूटीफुल का प्रयोग, और जब लड़का सुंदर हो तो हैंडसम का प्रयोग किया जाता है, तो सी वाज य ब्यूटीफुल और लड़की का इंग्लिश गर्ल। तो इस तरह से वह एक सुंदर लड़की थी, तो सी वाज य ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है तुम ईमानदार थे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो यू लिख दिए, उसके बाद यू के साथ वर का प्रयोग, तो वर लिखे, और फिर ईमानदार, ईमानदार का इंग्लिश होता है ऑनेस्ट। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया तुम ईमानदार थे का यू वर ऑनेस्ट। आगे है वे लोग चालाक नहीं थे, वे लोग चालाक नहीं थे, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ प्रयोग होगा वर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए निगेटिव भी है, यानी निगेटिव सेंटेंस भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा नोट, और चालाक का क्लेवर,
तो इस तरह से वे लोग चालाक नहीं थे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया दे वर नॉट क्लेवर। आगे है सुमन तेज लड़की थी, तो सुमन नाम है तो सुमन हो गया, और यहाँ पर सुमन एक नाम है तो इसके साथ प्रयोग होगा वॉज का। उसके बाद या का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद तेज, तेज का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट, और लड़की का इंग्लिश गर्ल। तो यहां पर देखिए सुमन वाज या इंटेलिजेंट गर्ल, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है वो ए का प्रयोग ना होकर के एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो आने वाला जो वर्ड है वो आई से शुरू हो रहा है, और आई जो है वो भोवेल लेटर है, तो इसलिए भोवेल के पहले एन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से सुमन वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सुमन तेज लड़की थी। नेक्स्ट है टेन में मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूज ऑफ वाज वर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।